खान साहब से मिलना चाह रहे थे, 4-5 दिन से हम लोग इस्लामाबाद में थे, रोज़ बनीगला जा रहे हैं, रात को फिर जहाँ पे ठहरे होते थे वहाँ पे चले जाना, सोना, सुबह उठना, तैयार होना रोज़ ही। खान साहब आज नहीं तो कल मिलेंगे, कल नहीं तो परसों मिलेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है खान साहब ने ज़्यादा वेट नहीं करवाया, हमें हार्डली 5 दिन हुए थे तो हम इस्लामाबाद में गए और हमें कन्फर्म हुआ जुम्मे वाले दिन जो है ना वो आएँगे और हमसे मिलेंगे। मैं खुशकिस्मती समझता हूँ अपनी कि खान साहब से मिले, उनसे बात की है, खान साहब ने साइन किए मेरी शर्ट पे, और बचपन में देखते थे हमारी कॉपीज़ पे, लूडो पे, टीवी अखबारात पे हम इमरान खान सुनते थे, मिले कभी नहीं थे। 92 का जब सेमीफाइनल हुआ था तो हमें पता चला कि इमरान खान क्या है और क्या करता है, वो भी हमारे घरों में माहौल ऐसा था कि कुरान पाक खुले हुए हैं, टीवी चल रहा है, पूरी पूरी फैमिली और इर्द गिर्द के मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए हुए हैं। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको पता है इमरान खान साहब, मैं कहता हूँ लाखों में नहीं करोड़ों में, हमारे मुल्क के अंदर ही नहीं फॉरन भी मैं कहता हूँ उनके बड़े डाई हार्ट फैन हैं। जिस तरह आपको पता है बच्चा वायरल हुआ अबू बकर, बड़ा उन्होंने मैं कहता हूँ उस बच्चे ने रो रो के वीडियोस डाली कि खान साहब मेरे से मुलाकात करें, मेरे से मुलाकात करें। लेकिन एक वक्त आया कि वो मैं कहता हूँ उनकी मुलाकात भी हुई, खाली मुलाकात भी नहीं, उन्होंने अपना साइन भी किया, ऑटोग्राफ भी दिया कमीज़ के ऊपर। हमारे साथ राणा तनवीर साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह इन ये भी मिले उन्हें जाके, 16 साल मैं कहता हूँ ये इंतज़ार करते रहे इस पल के लिए। तो नाज़रीन वो पल आ ही गया, मिले ही नहीं, जिस तरह अबू बकर साइन करवा के ऑटोग्राफ लेके गए हैं, इस तरह ही मैं कहता हूँ राणा तनवीर साहब ने भी अपनी शर्ट के ऊपर खान साहब का ऑटोग्राफ और साइन भी मिल गए। तो राणा तनवीर साहब से जानते हैं कि इनकी मुलाकात किस तरह हुई और इस शर्ट की, जिस तरह अबू बकर के कमीज़ की करोड़ों की बोली लगी है, राणा साहब को कितनी इस शर्ट की बोली लगी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम है सर। आपने जिस तरह बताया हमें कि बचपन से आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं, एक ड्रीम था कि उनसे मिलना है, ये सपना आज पूरा हुआ, तो क्या फील थी? मैं खुशकिस्मती समझता हूँ अपनी कि खान साहब से मिले, उनसे बात की है, खान साहब ने साइन किए मेरी शर्ट पे, और बचपन में देखते थे हमारी कॉपीज़ पे, लूडो पे, टीवी अखबारात पे हम इमरान खान सुनते थे, मिले कभी नहीं थे। 92 का जब सेमीफाइनल हुआ था तो हमें पता चला कि इमरान खान क्या है और क्या करता है, वो भी हमारे घरों में माहौल ऐसा था कि कुरान पाक खुले हुए हैं, टीवी चल रहा है, पूरी पूरी फैमिली और इर्द गिर्द के मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए हुए हैं। तो पहला सेमीफाइनल देखा उनको खेलते हुए लाइव, तो उसके बाद फिर फाइनल देखा है, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिए, उनको देख नहीं पाए हम ना उनकी पहली को क्रिकेट देखी हुई थी, हमारे बड़ों ने देखी हुई थी। 90 सीरीज की बात आई, ये 92 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल फाइनल दो लाइव मैच देखे पूरे पूरे हमने, उससे पहले वर्ल्ड कप में क्या हो रहा था हमें पता ही कुछ नहीं था, हमारे वो बंटे खेलने की या कंचे खेलने की उम्र थी या हम और कोई मस्तियों में, मगर क्रिकेट की तरफ हमारा कोई रुझान नहीं था। तो फिर जब थोड़ा सा 96 का वर्ल्ड कप आया तो फिर हमें क्रेज हुआ कि हमें खेलनी चाहिए क्रिकेट, तब मैं खुद भी थोड़ा सा बड़ा हो गया था, 96 से क्रिकेट शुरू की। फिर एक ड्रीम था कि यार मैं बीइंग अ लेफ्टी फास्ट बॉलर था, फिर मेरा फेम वसीम अकरम की तरफ गया, लेकिन इमरान खान जब पॉलिटिक्स में आए हैं, मेरे स्कूल में आए थे 97 में, तब इनको फर्स्ट टाइम देखा था, वो शौकत खानम की फंड रेजिंग के लिए आए थे, तो तब फर्स्ट टाइम मैं खान साहब को इनके इतने करीब से देखा था। तो उसके बाद फिर खान साहब को मैं तकरीबन 2007 में देखा, जब हमने 6 में पार्टी ज्वाइन कर ली हुई थी, तो 2007 में देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता के तहरीक के साथ चलते रहे हैं, खान साहब से मिलते रहे, लेकिन इतना क्लोज या कभी बात नहीं हुई कि दूर से खान साहब आए हैं, कहीं सेमिनार है या कभी कन्वेंशन है तो उन्होंने खिताब किया, तो इतना करीब से नहीं थे, बहुत दफ़ा मिले हैं, सलाम दुआ हुई है चलते हुए, लेकिन कभी वो हमारे पास खड़े नहीं हुए, कभी हमें ऐसा मौका नहीं मिला कि वो हमसे खड़े होकर बात करें। तो ख्वाब था कि खान साहब हमें मिलें, बात करें, तो अल्लाह के फजल से जुमे वाले दिन पूरा हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी और मैं दोबारा से जवान हो गया हूँ। क्या बात है सर, मिले ही नहीं है, मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा ये बहुत अचीवमेंट है, प्राउड फील कर रहे हैं कि साइन हो गए हैं,
मेरा ख्याल सेकंड पर्सन है पाकिस्तान के अंदर आप जिसकी ये मतलब कपड़े पहले वो एक अबू बकर था, इब्राहिम था, उसके अलावा भी लोगों ने डिफरेंट चीज़ें साइन करवाई होंगी खान साहब से, ऑटोग्राफ तो उन्होंने बहुत दिए हैं लाइफ में। तो मेरे लिए फर्स्ट थर्ड सेकंड नहीं है, मेरे लिए इतने काफ़ी कि खान साहब मेरे सामने खड़े होकर मेरी शर्ट पर साइन कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है। सर ये जब साइन किस तरह हुए, क्या फीलिंग्स थी, किस तरह मिले उन्हें जाकर और मार्कर के साथ किस तरह साइन किए खान साहब ने? खान साहब को पिछले हम 5-6 दिन से ट्रेस कर रहे थे, खान साहब से मिलना चाह रहे थे 4-5 दिन से। हम लोग इस्लामाबाद में थे, रोज़ बनीगला जा रहे हैं, रात को फिर जहाँ पे ठहरे होते थे वहाँ पे चले जाना, सोना, सुबह उठना, तैयार होना रोज़ ही, खान साहब आज नहीं तो कल मिलेंगे, कल नहीं तो परसों मिलेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है खान साहब ने ज़्यादा वेट नहीं करवाया, हमें हार्डली 5 दिन हुए थे तो हम इस्लामाबाद में गए और हमें कंफर्म हुआ जुम्मे वाले दिन जो है ना वो आएंगे और हमसे मिलेंगे। लाहौर से स्पेशल सिर्फ इसीलिए गए, ये काम था हमें और कोई वहाँ पे नहीं था कि जाना है, हमने सिर्फ खान साहब से मिलना था। तो जुम्मे वाले दिन इंशाल्लाह हमें यकीन था कि वो मिलेंगे और वो अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल की, खान साहब आए, उन्होंने सलाम किया हमें और हाल चाल पूछा, फिर पूछा कहाँ से हो, और वो बड़ा उनका अपना एक यूनिक सा स्टाइल है, हाँ यूनिक स्टाइल है कि हाँ भाई कहाँ से हो आप, हमने कहा लाहौर से हैं, तो अच्छा ज़बरदस्त और क्या हाल है, ठीक है। फिर खान साहब के लिए कुरान पाक लेके गए थे, तस्वीर लेके गए थे, हमने उनको किया, उन्होंने कबूल किया, शुक्रिया अदा किया बल्कि। तो अच्छा सर आप माशाल्लाह 16 साल से बड़ा ड्रीम था उनसे मिलने का, आपने जिस तरह बताया कि मैं क्रिकेट भी खेलता रहा हूँ, देखे इमरान खान साहब को किस तरह सपोर्ट करते हैं एज ए स्पोर्ट्समैन या सियासतदान, किस तरह? एज ए स्पोर्ट्समैन तो पूरे मुल्क की जान थे, उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की और पाकिस्तान के पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। स्पोर्ट्समैन को लाइक करना मेरे लिए या पाकिस्तान के किसी भी शहरी जो हमसे पहले के लोग थे जिन्होंने उनको खेलते देखा, मैंने तो उनको हार्डली 2 मैच देखे, वो भी सेमीफाइनल फाइनल 92 का, वो भी घरों में माहौल कुछ ऐसा था तो पता चलेगा कि क्रिकेट की कोई टीम है और फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंची हुई है। और एज अ पॉलिटिशियन मैं उनको यानी कि सपोर्ट नहीं करता, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी सपोर्ट करता हूँ क्योंकि खान साहब पाकिस्तान के लिए एफर्ट कर रहे हैं और शुरू से जब एक बंदा कंटिन्यूसली पाकिस्तान के लिए एफर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की किस्मत बदलने के लिए या इनके हालात बदलने के लिए बात करते हैं, तो उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो, खुद मुख्तार हो, अपने फैसले खुद करे, वो पिछले 22-26 साल से यही बातें कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है उनकी। और अभी टाइम लग रहा है, ऐसा ऐसा हजूम को एक कौम में बदलने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये चीज़ उनके लिए हम इनके उनके साथ हमें जोड़े रखती है। खान साहब पाकिस्तान की बात करें, बिंग पाकिस्तान खाली उनकी जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी है, आपकी भी है, तो ये चीज़ें हमें यानी मुतासिर करती हैं, तो इसलिए हम उनके साथ हैं, इंशाल्लाह साथ ही रहेंगे। सर हमने देखा है इमरान खान साहब के तो बड़े लाखों में मदाहों में फ़ैन हैं, कोई जाके हाथ चूमता है जिस तरह की एक रैंडम किसी तरह भी मिलते हैं, तो खान साहब क्या प्राउड फील करते हैं, क्या आप माशाल्लाह उनके बहुत जिस तरह आप मिले हैं, क्या फील थी इमरान खान साहब की जब आपने उन्होंने प्राउड वगैरह फील करते हैं? नहीं प्राउडली नहीं है और ना ही वो यानी कि तकबर आना उनमें कोई ऐसा मिजाज है, हालांकि वो इरीटेट होते हैं इन चीज़ों से कि कोई आए कोई हाथ चूमे, वो ना तो वो पीर है ना कोई ऐसा है, उनका कोई ऐसा मामला नहीं है, हालांकि समटाइम वो गुस्सा भी हो जाते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल इंसान है, उनको नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, वो चाहते हैं, ये उनकी ख्वाहिश है कि इंसान इंसान सब एक बराबर हैं, तो उनकी यही कोशिश होती है कि मैं इन चीज़ों से दूर रहूं, लेकिन लोग अकीदत में मोहब्बत में बड़ा कुछ कर जाते हैं और समटाइम वो इग्नोर कर जाते हैं, समटाइम उनको गुस्सा आता है, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, लेकिन ये कि वो कहते किसी को कुछ नहीं है। सर जिस तरह अबू बकर को आपको पता है साइन जिस तरह उसकी उनकी कमीज पे की, करोड़ों में बोली लगी है, आपको भी लगी है? मैं अबू बकर की बात करता हूँ तो अबू बकर बहुत बड़ा फ़ैन, बड़ी जद्दोजहद से वो मिला है और अगर वो अरबों में भी उसकी बोली लगे कपड़ों की तो मेरा नहीं ख्याल वो बेचेगा, तो यही फीलिंग्स मेरी, ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट थी जब, और मैं ये मेरी एक अचीवमेंट है, मेरी तो ख्वाब थी कि खान साहब मेरे सीने पे थपकी दें कि यार तुम पार्टी के लिए बड़ा अच्छा काम करते हो, तो ये तो थपकी से भी बड़ा यानी कि वो शाबाश से भी बड़ा इनाम मिला मुझे, तो मैं तो बेचने की तो दूर की बात ऐसा सोचा भी नहीं है, हालांकि दोस्तों ने मजाक काफ़ी किए हैं, मजाकिया 2 रुपये के 25 लाख लेना है चलो 30 ले लो, तो मैं भी उनको भी मजाकिया तौर पर कह देता हूँ कि यार छेड़ रहे हो मुझे तुम लोग ना। सर अगर इसे पार्टी के लिए कुर्बान करना पड़े तो फिर कर देंगे? हाँ मैं
करता हूँ जो जो ये शख्स खरीदना चाह रहा है तो www.namanzoor.com पे फंड करे पार्टी को, और जो ज़्यादा फंड करेगा ये शर्ट उसके लिए है, ये शर्ट बल्कि उसका इंतज़ार कर रही है जो पार्टी फंड करेगा। नाजरा आपने जाना जिस तरह के, मैं कहता हूँ अबू बकर डाई हार्ट फैन थे, एक बच्चा था बड़ा, मैं कहता हूँ उसने प्राउड फील किया अपने आप को जब खान साहब सामने खड़े थे, आपने वीडियोस देखी हैं वो बच्चे के इमोशनल जो आप देख सकते हैं कि वो कंट्रोल नहीं थे उनके, तो सर भी माशाल्लाह 16 साल से एक ड्रीम था कि खान साहब को मिलना है, नाजरीन मिलना ही नहीं हुआ इस शर्ट्स के ऊपर। मैं कहता हूँ कि ये अब ये शर्ट्स 500,000-2,000 की नहीं रही है नाजरीन, ये अभी ये करोड़ों की शर्ट है, लेकिन सर ने कहा कि ये शर्ट सिर्फ पार्टी के लिए कुर्बान है, इसकी बोली करोड़ों में भी लगेगी तो फिर भी ये मैं सेल नहीं करूँगा। तो सर के लिए, सर की स्टोरी के लिए और खान साहब के लिए कुछ ऐसा कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहे लाहौर की बातें, पाकिस्तान जिंदाबाद।